और बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। शराबबंदी पर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। सरकार से सवाल पूछने पर नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। नीतीश ने बीजेपी विधायकों को चुप रहने का इशारा किया। गुस्से में नीतीश ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार में गड़बड़ी करने के पीछे बीजेपी का हाथ, ऐसा नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा। नीतीश कुमार के बोल को आप सुन रहे हैं। पहली बार नीतीश कुमार को सदन में आपे से बाहर होता हुआ देखा होगा आपने। क्या हो गया, क्या हो गया कह रहे हैं नीतीश कुमार। शक्ति सिंह मेरे साथ पटना से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। शक्ति, पूरे बिहार में शराब बंदी है, शराब बैन है, उसके बावजूद अगर इस तरह की ट्रेजेडी होती है, इसमें लोग मारे जाते हैं और उसका विरोध होता है, तो नीतीश को गुस्सा क्यों आता है? लेकिन निश्चित रूप से बिहार में जो है शराबबंदी है, और लेकिन जिस तरह शराबबंदी का माहौल उड़ाया जाता है, आज ये छपरा में जिस तरह से मौत हुई है, ये पहली घटना बिहार की नहीं। इससे पहले भी कई बार जो है जहरीली शराब से जो कई लोगों की मौतें हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है शराबबंदी को लेकर जो है प्रशासन की ओर से जो है जिस तरह से ये सांसों में दर्ज है, लगातार शराब से बिहार में इससे पहले ही मौतें हो रही है। और इसको लेकर जो है आज बता दिया कि बिहार का विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सदन के अंदर जो बीजेपी के विधायक इसी मुद्दे को लेकर जो है आज अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को एकाएक काफी गुस्सा गया। नीतीश कुमार जो है बीजेपी के विधायकों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग इस कारण ही जो है शराबबंदी जो है कई तरह के जो है सबको प्रयोग किया। उसके बाद बीजेपी के विधायक काफी नाराज हो गए और विधानसभा के अंदर जो है जम के हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने जो है कार्यवाही को स्थगित कर दिया और बीजेपी के तमाम विधायक जो है सदन के बाहर आकर जो है विरोध करने लगे। जी नीतीश, जवाब क्या दे रहे थे जिसके बाद बीजेपी विधायकों का इतना विरोध सदन में देखने को मिला? लेकिन जिस तरह से जहरीली शराब से खतरा में उसके बाद विधायक थे, इस मुद्दे को लेकर सदन में सरकार क्योंकि इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने विधायक गुस्सा आ गया और नीतीश कुमार जो है ठीक है शक्ति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और जानकारियां दर्शकों के लिए साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बड़ी